prove that cosec x minus cot x ka whole square is equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. तो a minus b का whole square कितना होता है? a square cosec square x, okay, plus b square cot square x minus 2ab minus 2 cosec x and cot x, okay. तो इसको अगर मैं simplify करूँ तो cosec square x equals to क्या होता है? cosec square x sin square cosec square x equals to होता है क्या? इसको कैसे किया था? अब इस साइड को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, इसे भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. अगर मैं इसको 1 माइनस cos x को देखूं तो 1 प्लस cos x का ऊपर नीचे नहीं, 1 माइनस cos x के मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x आएगा और माइनस 2 cos x आ जाएगा, सही है. और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज sin स्क्वायर x, सही है. तो बेस्ट अप्रोच ये है कि एक साइड से इधर जाने की अपेक्षा क्या है, इसे भी थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसे भी रीअरेंज करो. अब 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होता है? cosec स्क्वायर x होता है और ये प्लस cot स्क्वायर x होता है, तो ये प्रूव हो गया, सिंपल है. और ये मेरे पास 2 क्या आ गया? 2 cot x आ गया और cosec x आ गया, ठीक है ना. तो ध्यान से देखिए, मैंने इस साइड से स्टार्ट किया, यहां पे आया, इससे यहां पे गए और यहां पे गए, तो जो मुझे शो करना था वो रिजल्ट शो हो चुका है. तो नाउ फोकस हियर. समटाइम्स क्या है, या आप ऐसे मूव करना चाहते हैं तो ऐसे भी मूव कर सकते हैं. इसके बाद ये स्टेप लिखिए, फिर यहाँ पे आ जाइए. तो लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सही तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्या करिए, थोड़ा सा मूव करिए एक साइड से, थोड़ा सा दूसरी साइड से मूव करिए, तो फाइनली जो टारगेट है उसको आप ऑब्टेन करिए. ओके, समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे इसमें.